को कहाँ चलना है भैया? मंदिर देखने। ये देखे वीडियो बना रहे हैं लौंडो। सभी छोटे छोटे बच्चे घाघरा नदी देखने चलने हैं। चलो चलो मछली देखने चलो। कहाँ कहाँ तुम आगे जाए बताया है। आज मैं पहली बार अपना इंट्रोडक्शन यूट्यूब पर देने जा रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हमारा परिचय बताना ही नहीं पड़ेगा। मेरा नाम राधेश्याम है। मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सीतापुर का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। गांव का नाम भी है तेजीपुरा। और मुझे नई नई जगह ट्रेवल करना, कंट्री ट्रेवल करना, न्यू प्लेस ट्रेवल करना इत्यादि, फार्मिंग ब्लॉक, बहुत सारे नई नई चीज़ें सीखना और खोजना अच्छा लगता है। अभी हम नदी के किनारे आए थे और इधर छोटे छोटे बच्चे आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी टीम में हैं। राजनाथ, अनप्रीत, अंकित और मोदी इनका नाम है भाई। हम सभी लोग आए थे टहलने, हम आ रहे थे अकेले टहलने, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे पीछे लग गए, लेकिन हम इनको मना नहीं कर पाए हैं। इतना सारा एडवेंचर्स प्लेस है, यानी यहाँ पर डर लग रहा है टहलने में। इधर देखिए, ये घाघरा नदी है और एकदम ये शांति साइलेंट फुल जगह है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा इधर का भी मोमेंट लीजिए। तो गाइज, हमारी शिक्षा की बात की जाए, यानी एजुकेशन हमने क्या कर रखा है। हमने 2022 में फाइनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से BSc कंप्लीट कर लिया है 2022 में। अब मैं BSc के बाद BEd फर्स्ट ईयर में मेरठ से पढ़ाई कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ हमने पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ हम नई जॉब भी खोज रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कोई अच्छी खासी जॉब हो तो हम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो दोस्तों, घाघरा नदी का नाम घाघरा किस लिए पड़ा? घाघरा एक होता है जो घाघरा पहनने वाला होता है, और घाघरा नदी भारत और नेपाल के तिब्बती सीमा यानी किनारे के साथ साथ भारत और नेपाल में प्रमुख ये नदी बहने वाली है। और इसके साथ साथ ये गंगा नदी का उपनाम भी है घाघरा। घाघरा बहराइच, गोंडा, सीतापुर और फैजाबाद इत्यादि शहरों में घाघरा नदी बहती रहती है। और देखिए, यही है घाघरा नदी, ये इधर कहाँ तुम आगे जाए बताया। तो देखिए दोस्तों, घाघरा नदी का कितना साइलेंट फुली वाटर है, एकदम साइलेंट फुली पीस है इधर। और ये ज्यादातर उत्तरी इलाके में आपको देखने को मिलेगी। ओए ओए, गहरी है, इन पर वहां ना जाओ यार। मछली रखा, चलो 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 मछली रखा, चलो चलो मछली देखने चलो। चलो 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 दोस्तों, आज हम टहलने आए हैं नदी पर, और नदी पर टहलने आ रहे थे अकेले, लेकिन हमारे पीछे छोटे छोटे बच्चे बहुत लग चुके हैं। ये सब आस पड़ोस के ही बच्चे हैं, खानदान के बच्चे हैं, लेकिन कह रहे थे हम भी नदी देखेंगे आज, कैसी है कैसी नई नदी। सभी लोग नदी देखने के लिए बड़ा उत्सुक हैं। देखिए ये देखे वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस, नदी के किनारे ये क्या होता है, ये देखिए, ये एक सीपी होती है, इसके अंदर जोंक भरी होती है, और यहाँ पर बहुत सारी परी होती है। देखिए, एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, ये एक पड़ी है, और इसके आगे दिखा दूँ आपको नदी के किनारे किनारे कहाँ क्या पड़ा है। एक ये पड़ी है, इसके अंदर जोंक होती है, और देखिए नदी के किनारे कितना गहरा पानी है। मटर लाओ, मटर लाओ। मटर लाओ, इधर लाओ मटर। लाओ लाओ लाओ। ये तो गाइस देखिए, ये है मटर, ये है मटर भाई, जिसको हम अभी सभी लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, कैसा स्वाद है कैसा नहीं। ये कैसा स्वाद है कैसा नहीं। और ये है घाघरा नदी, ये है घाघरा नदी। कहाँ? वाह, मछली आ गई।
कहाँ तुम आगे जाके बताया। दोस्तों फर्स्ट व्लॉग हम नदी के किनारे बनाने आए थे और उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी लग गए हैं। आज हम अपना पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम राधेश्याम है, फ्रॉम सीतापुर से, यानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से हूँ। उत्तरी इलाके में रहता हूँ और उत्तरी साइड में नदी नाले बहुत सारे हैं और बहुत सारे खेती किसान हैं, यानी खेती और किसानी इस तरफ बहुत ज़्यादा होती है। सर देखिए इधर गन्ना बोया हुआ है और ये नदी के किनारे देखिए यहाँ पर सरसों बोई हुई है। ऐसे बहुत सारे नए नए नज़ारे यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे और हमारे YouTube कम्युनिटी से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। तो गाइज कुछ लोग सोचते होंगे कि नदी के किनारे के खेत बहुत नरम होंगे और बहुत गीले गीले होंगे, ऐसा नहीं। देखिए नदी के किनारे के कितने ठोस खेत होते हैं, देखिए देखिए चलने में बहुत सारी दिक्कत होती है। ये देखो गिर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, देखिए 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 ऐसे। दोस्तों देखिए उत्तरी इलाके के ऐसे खेत होते हैं जो नदी और तालाबों के नज़दीक के खेत होते हैं, कुछ इस तरीके के खेत होते हैं। और देखिए यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है। अच्छा काम कहाँ धरती फूल नहीं यार, धरती फूल नहीं है। गाइस आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड में कुछ अलग टाइप के होते हैं नज़ारे और हमारे इधर कुछ अलग टाइप के नज़ारे होते हैं। देखिए ये कहीं पर ऐसे सूखे सूखे खेत देखने को मिलेंगे, देखिए एकदम जंगली इलाका बिल्कुल। देखिए दोस्तों यहाँ पर खेती बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ खर पतवार ही खड़ा होता है। देखिए इधर ये सब सरकारी जमीन है, देखिए ये सब पूरी की पूरी सरकारी जमीन। बग 4 साल बाद आए हैं लेकिन सब मोमेंट बदल गया। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक पेड़ इधर दिख रहा है जो नीम का पेड़ है और इधर सब वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगातार कट रहे हैं। देखिए बहुत दूर दूर तक का मैदान में आपको पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे। इधर देखिए कितना ज़्यादा पेड़ों पर खासकर सरकारी जो पेड़ पौधे हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। देखिए कितनी दूर दूर पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वाकई में यार इधर बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं। इधर हम पहले आया करते थे तो बहुत सारे पेड़ दिखते मैदानों में, लेकिन इधर बहुत दिनों बाद आए एक भी पेड़ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कितने सारे पेड़ कटे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक गुल्लू का पेड़ था जिस पर हम लोग चढ़कर बैठा करते थे ना, और इधर एक ये पेड़ था जो हम चढ़कर बैठा करते थे, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय लेते थे। मेरी माँ भी कहती हैं सब दिन हो ना एक समाना, यानी इंसान के हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते, यानी कभी अमीरी कभी गरीबी लगी रहती है। ऐसे ही यहाँ पर माहौल बदल गया है ना। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो आए थे हमारे साथ, टीम के टहलने वाले लड़के थे जो बहुत ही उत्सुक थे देखने के लिए नज़ारा इधर का। और यहाँ पर देखिए ये सारे पेड़ सब कटाई हो रहे हैं, ये यार बहुत ही खतरनाक चीज़ है। गाइज हमारे इधर थोड़ा अभी शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो बकरियों को चराने के लिए आते हैं, खासकर यहाँ पर अभी शिक्षा का प्रभाव अभी ज़्यादा नहीं पड़ा है। देखिए इधर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको छोटे पर से ही जिम्मेदारी दी जाती है। इधर ये बकरियां चराने आए हैं, इनकी ये बकरियां हैं, देखिए ये चर रही हैं, ये वाली ये बकरियां 3-4 हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोटे पर से ही जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए किस तरीके से घर के भारत और राज्यों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या करने आयो, चलाइए जला नल। देखें नदी के किनारे का वाटर लेवल, देखिए गाइस नदी के किनारे कितना तेज पानी चलता है। देखिए देखिए इतनी तेज पानी तो कहीं नहीं चलता होगा। देखिए भाई